साढ़े 3 साल का बच्चा नक्श, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, वो कल टायर से खेल रहा था और खेलते खेलते जोड़ में गिर जाता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। बताया जा रहा है कि नक्श के कोई भी बहन भाई भी नहीं थे, अकेला बेटा था नक्श अपने माँ बाप का। और आप देख सकते हैं फिलहाल परिजन जो हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं, उसके शव को जो है फिलहाल यहाँ पर लेकर आया गया है। डेथ हो जाती है, कल रात से ही जो है उसकी बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम हाउस लेकर आया गया है। और अभी 9 बजे की टाइमिंग है डॉक्टर की, लेकिन डॉक्टर फिलहाल अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या बच्चे का नाम है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है बच्चे का? नक्श है जी। क्या उम्र थी? 3.5 साल। कैसे हुई है डेथ? ये साइकिल का टायर चला रहा था जी सड़क पर। अच्छा। तो चलाता चलाता टायर चले गया जोड़ में। अच्छा। उसने निकालने के उसमें वो वहाँ कचरा पड़ा था जी, वो टायर उसके अंदर ही चले गया जी, आस पास कोई था नहीं जिसके। अच्छा। कौन से गांव के? बड़ा गांव जी। बड़ा गांव। हाँ जी। तो कल ही डेथ होगी? यहाँ कल ही हुई थी रात। अच्छे परिवार के लोग ढूंढ रहे थे? हाँ, सारे सारे गांव ढूंढ रहा था जी। अच्छा, पता नहीं चला? ना पता नहीं चला जी। फिर ये तो अंदाजा लगाया, पुलिस वाले आए, सारे आए, कहने लगे फिर कम से कम टायर देख खेल रहा था, कम से कम ये तो देखो जोड़ मत नहीं गिरे हो। फिर जेड़ी ले आया जी, जेड़ी से देखा तो टायर आया ऊपर। अच्छा। टायर आया, फिर उसकी चप्पल आई, फिर उसके टायर में उसके हाथ थे, वो सारा का सारा आ गया। फिर पता चला अभी इसमें जोड़ में गिर गया जी। आप क्या लगते हो? मैं उसका नाना हूँ। आप क्या लगते हो सर बच्चे? मामा जी लगते। मामा लगते। क्या नाम था बच्चे का? उसका नक्श नाम था। नक्श नाम था। तो ये हादसा हुआ जब, फिर आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट? हाँ, पुलिस को 112 नंबर पे फोन किया उन्होंने, जाके SHO साहब आए जी, उन्होंने सारा डंडवाया, घर घर देखा जी। ठीक है जी। फिर नहीं कुछ मिला, फिर उसमें जोड़ की तरफ गए जी, जोड़ पे देखा, जोड़ में टायर के उसके आया जी। तो आप देख सकते हैं महज 3.5 साल का नक्श, जो कि टायर से खेल रहा था, जोड़ में टायर गिर जाता है और उसी को पकड़ने के चक्कर में नक्श भी जो है जोड़ में गिर जाता है। बाद में पूरे गांव में जो है नक्श को ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद 112 की टीम को बुलाया गया और बाद में पता चला कि वो जोड़ में गिर गया है। और कल से जो है फिलहाल नक्श की बॉडी को यहाँ मॉर्चरी हाउस में लेकर आया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से घर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फिलहाल जो केस के आईयू हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं नक्श के घर से फिलहाल जो परिवार है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो परिजन हैं, जो लेडीज़ हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं उनके घर से, जो जो महिलाएँ आई हुई हैं। नक्श की माँ आई हुई है यहाँ? अच्छा, आप क्या लगते हो? मैं नानी लगू जी, हम तो नानी लगे सारे। हाँ जी। अच्छा, कैसे हुआ ये हादसा? जी बस खेल रहा था, अब नानी पता लेकर टायर भी मैंने खेलना, उसने दे दिया भी जा खेल ले। बस वैसे तो जाया ही नहीं करा था उस दिन, आज चला कर रात को चला गया गांव के। बस उन्होंने देखा उसकी माँ व्रत था उसका, इसका वीरवार का, तो उसने सोचा भी चल पूजा करूँगी भाई, न ले का वो नक्श नाम है। ढूंढने लग गए सारे, उन्हें कहीं मिला नहीं। सारे पड़ोस में पूछा, फिर 1-2 घंटा आस पड़ोस में नहीं मिला। फिर सारे गाँव में पता करा, मंदिरों में भी बुलवाया भी नक्श, किसी बच्चा 3 साल का नहीं मिला। तो फिर पुलिस पे भी रिपोर्ट आई गई है जी, पुलिस भी आई है। तो फिर सब ने देखा भी, पहले तो सब ने ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिला। फिर वो किसी चीज़ था डंडी था, उससे देखा तो उसका टायर चप्पल ऊपर आया, तो उसके वजह से पता चला भी वो इसके अंदर। पता चला था आप लोग को? वो करीब तकरीब 5-6 बजे का गुम हुआ था, वो रात के 11:30-11 बजे उसका पता चला भी वो जोड़ में है। पहले देख लेते तो शायद बच जाता। बच भी जाना जी जब अगर देख लेते तो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 से 6 बजे लापता हुआ नक्श और रात को 11 बजे जाकर जो है उसकी बॉडी ऊपर आई होती है। जब जोड़ के अंदर देखते हैं टायर से वो खेल रहा था, फिलहाल परिवार आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है। केस के जो आईयों हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ नक्श के लिए कमेंट सेक्शन में उस छोटे से मासूम बच्चे के लिए ओम शांति लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।